ये उदयपुर है, उदयपुर जहां मेरी कहानी शुरू हुई और जहां मेरी कहानी खत्म हुई। आदाब है अशोक साहब। आदाब। आप आ गए जी। अब्दुल अभी प्रूफ निकालता है, तशरीफ रखिए। लीजिए सिगरेट लीजिए। शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। कहिए, हमारा उदयपुर पसंद आया आपको? बात मकान मिल गया? मिल तो गया मगर झूठ बोलना पड़ा। यानी कुंवारे आदमी के लिए मकान का मिलना आसान नहीं, खासकर शरीफों के मोहल्ले में। और फिर अपनी मालिक मकान तो बेचारी कोई विधवा बाई है, जितनी नेक उतनी गर्म मिजाज। बात बात पर नियम असूल पाबंदियां। पहला सवाल ये था, अशोक बाबू जी, आप शरीफ हैं, इसका आपके पास क्या सबूत है? मेरी सूरत से पता चलता है मैं भला आदमी। आप मुझे एक नजर देखिए तो। मुझे आपको एक नजर देखने की जरूरत नहीं। तो जिस फॉर्म में मैं काम करता हूँ उनका सर्टिफिकेट चलेगा? चलेगा। दूसरी बात, ऊपर का सारा हिस्सा किराए पे दिया जाएगा, और किराएदार वो चाहिए जिसकी बीवी हो, बच्चे हो। आपकी बीवी है? इस वक्त नहीं, कुछ दिनों तक आ ही जाएगी। कहाँ है आजकल? अपने महके में। बच्चे? बच्चे बच्चे भी साथ ही लाएगी, और अब के तो शायद एक आध ज्यादा ही लेकर आए। बड़ी नेक बीवी है। लाइए चाबी दीजिए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। साहब चाबी हाथ में नहीं थी, जमीन पे फेंक दी। डर ये कि कहीं हाथ से हाथ ना छू जाए। शरबत की आंखें सोलह। लीजिए आपका प्रूफ आ गया, इसे दुरुस्त करके भेज दीजिएगा। अशोक बाबू जी, आप फिर नल खुला छोड़ गए थे। सॉरी, जल्दी में था, भूल गया। ये बत्ती अभी तक क्यों जल रही है? ओ, अभी बुझाता हूँ। अशोक बाबू, आप फिर गुनगुनाने लगे। दारोगा जी, मुझे पंछी का दिल मिला है, जो ऊधी घटाएं देख कर चहचहा उठता है, जैसे वो डाल पे कोई परिंदा। अशोक बाबू, यहाँ चहचहाने गुनगुनाने या सीटी बजाने की इजाजत नहीं। बराबर। और सुनिए, कब आएगा आपकी पत्नी का पत्र? जी आ गया, ये रहा। हाँ तो क्या लिखा है? प्यार की बातें लिखी हैं, पढ़कर सुनाओ। अशोक बाबू, मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आने के बारे में क्या सूचना दी है, कब आ रही है वो? दारोगा जी, मेरा नाम हरी देवी है। हरी देवी जी, इसके बारे में तो यही लिखा है, इंतजार और अभी और अभी और। अशोक बाबू, या तो अपनी पत्नी को जल्दी बुलाइए या फौरन मकान खाली कर दीजिए। सुनिए सुनिए तो। इस घर में एक नौजवान का इस तरह अकेले रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वाह, ठीक ही कहा आपने, तन्हाई मार देती है इंसान को। चलिए, एक बात तो मेरी भी मिल गई आपसे। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो जब तक मेरी पत्नी ना आ जाए, मैं तन्हाई की घड़ियां आपको अपनी कविता सुना के गुजार सकता हूँ। मुझे कविता से नफरत है। मैं तस्वीरें वगैरह भी बना लेता हूँ, शायद चित्रकारी में आपको दिलचस्पी हो, आप वो देखना पसंद करें। मैं कुछ देखना नहीं चाहती। सुनिए, आप कब से इस तरह इस चार दीवारी में बंद हैं? आपको इससे मतलब? आप न किसी की सूरत देखती हैं, न किसी को सूरत दिखाती हैं। मेरी सूरत देखने लायक नहीं।
आप इस तरफ क्यों चले आए? आपके दर्शन करना चाहता था। तो अब जाइए। एक बात कहे बगैर नहीं जा सकता। क्या? आप बहुत छोटी उम्र में विधवा हुई थी ना? जवाब दीजिए ना। आप अपने आप को जो सजा दे रही हैं, ये तो सोचिए कि आपका इसमें क्या दोष है। मैं समझता हूँ ये आपका दुख है जिसने आपकी ये हालत कर दी है, और ये आपका दर्द है जिसे आप गुस्से की आड़ में छुपाना चाहती हैं। परंतु सोचिए तो, संसार में कोई सुखी है? आप भी तो इसी संसार में हैं अशोक बाबू। और बहुत खुश नजर आता हूँ। मेरे दुख की दास्तान सुनी नहीं आपने? सुनी। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। कभी मेरे घर के 12 आदमी थे, मेरा बाप, मेरी माँ, 4 भाई, 4 भाभियाँ, 2 बहनें। देश के बंटवारे के दिनों सबका बलिदान देना पड़ा। ये काफला नारोवाल से चला मगर अमृतसर ना पहुंच सका। आज स्वतंत्र भारत में मेरा एक भी रिश्तेदार नहीं। इस दुनिया में मैं हूँ, मेरी तन्हाई और मेरा दीवानापन, जिनका हाथ थामकर जिंदगी का सफर तय कर रहा हूँ। और करूँ भी क्या, जिस बिद राखे राम उसी बिद रहना पड़ता है ना। गिला करने या गुस्सा करने से क्या हासिल? हर नई सांस, हर नई सुबह, न जाने क्या पैगाम है। रही मेरी कमजोरियां सो मुझ में बीसियों हैं। देवी जी, दुनिया के बगीचे में कुछ तरतीब से लगाए हुए फूलों फलों के पेड़ होते हैं, और कुछ कुछ मेरी तरह वीरानों की रौनक, कांटेदार झाड़। इनसे उलझने से फायदा? अशोक बाबू, तो आपका भी इस दुनिया में कोई नहीं? जी नहीं, और मैंने अपनी पत्नी के बारे में भी आपसे झूठ बोला। ना मेरी कोई पत्नी है, ना कोई पत्र भेजने वाला। देखिए, ये मेरी पुस्तक का प्रूफ है। मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, क्षमा चाहता हूँ। नई नई नौकरी है, वाज टूर पर भेज रहे थे। नहीं जाऊंगा, एक दो दिन की छुट्टी लेकर कोई ना कोई जगह तलाश कर लूंगा। लीजिए, सामान अभी से बांधना शुरू कर देता, आप चिंता ना करें। दारोगा जी, अशोक बाबू, आपको मकान ढूंढने की जरूरत नहीं। आपकी नई नई नौकरी लगी है, आप टूर पे जरूर जाइए। किस तरफ जा रहे हैं? उधर बारापान की तरफ, आगे को 30-35 मील। इन दिनों वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। आप जाएंगे मेला देखने? अशोक बाबू, मैं विधवा हूँ, बाल विधवा, छुटपन से नियमों का पालन कर रही हूँ जो समाज ने हम बदनसीबों के लिए बनाए हैं। अशोक बाबू, मैं आज तक किसी पुरुष के सामने ना गई थी। ये पहली बार है कि मैंने आपके सामने आकर इस तरह से बात की, और वो इसलिए कि आप बहुत भले हैं, बड़े अच्छे हैं। किसने कहा आपसे? कुछ आपकी शर्मीली नजरों ने, और कुछ मेरे मुरझाए हुए मन ने, जो कभी बात नहीं करता, जिसे आपने बहुत बड़ी शिक्षा दी। कौन सी? यही, जिस बिद राखे राम उसी बिद रही है, उसी बिद रही है। कब लौटेंगे? कल नहीं तो परसों। ड्राइवर साहब, अभी कितनी देर है? देखो मिस्टर, अभी कुछ टाइम लगेगा। अच्छा दोस्त, मुझे तो पास ही जाना है, मैं पैदल चलता। फरिश्तों
ड्रीम में आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ फरिश्तों की नगरी में, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। ये रानाइयाँ देख चकरा गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। यहाँ बसने वाले बड़े ही निराले, बड़े सीधे सादे, बड़े भोले भाले, पति पत्नी मेहनत से करते हैं खेती, तो दादा को पोती सहारा देती। यहाँ शीरी फरहाद कंधा मिलाकर ले आते तीनों से नदियाँ बहाकर, ये चांदी की नदियाँ बहे जा रही हैं, कुछ अपनी जुबान में कहे जा रही हैं। फरिश्तों की नगरी में मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। कन्हैया चला ढोर बन में चराने, तो राधा चली साथ बंसी बजाने। बजी बांसुरी नीर आँखों से छलका, मुझे हो गया है नशा हल्का हल्का। परिंदे मेरे साथ गाने लगे हैं, इशारों से बादल बुलाने लगे हैं। हंसी देख कर मुस्कुराने लगे हैं, कदम अब मेरे डगमगाने लगे हैं। फरिश्तों की नगरी में मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। ये रानाइयाँ देख चकरा गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। अरे वहाँ लगा है यहाँ कोई मेला, तो फिर इस तरह मैं फिरूं क्यों अकेला। मैं झूले पे बैठूंगा चूसूंगा गन्ना, किसी का तो हूँ मैं भी हरियाला बनना। ओ भैया जी रो ये दुवन्नी संभालो, चलो मामा उतरो मुझे बैठने दो। फरिश्तों की नगरी में कभी तो पूरा तोल प्राणी भाई, कभी तो पूरा तोल प्राणी, कभी तो पूरा तो क्या लगेगा मोल। राधे कृष्ण बोल मुख से, राधे कृष्ण बोल। काया का पिंजरा
बच्चा मेरी गोद में दे दिया। मम्मी को समझाओ, मम्मी को समझाओ। लीजिए और लाइए मेरा गन्ना। अरे अपना बच्चा तो लेके जाओ। Thank you.
बाल बाल बच गए। मुआ दुकानदार ताड़ गया था। मुआ दुकानदार ताड़ गया था। जब ही जोर जोर से चिल्ला पड़ा चल चल चल, और हवालदार सचमुच हम दोनों के पीछे पड़ गया। कांटे तो हाथ आए नहीं, चलो जान बची सुलाख हो पाए, बच गए। बचकर जाने देता हूँ मैं, चलो निकालो निकालो निकालो। निकालू क्या निकालू बाबू? जो चोरी किया है, जो लेकर भागी हो। क्या लेकर भागी हूँ मैं है? लो तलाशी ले लो। भुलवा बाबूजी को पहले कहीं देखा है? आहा, क्या भोली बनती है। वाह, जरा मस्किन सूरत तो मुलाजा हो। वाह, अभी अभी मेरी गोद में बच्चा देके गना छीन गया और अब पहचानती नहीं। बोलो कौन हो तुम? मैं हूँ बाबू। तुमको भी शक हुआ मैंने कांटे चुराए हैं? धर्म से राम कसम, मेरी नीयत जरूर खराब हुई थी। झूठे कांटों की जोड़ी देखी, दिल इस पर रीझा। बाबू दिल ही तो है। सारी बात साफ साफ बताओ। फिर छोड़ दोगे ना? अगर मेरी तसल्ली हुई, पहले ये बताओ कि तुम लोग हो कौन? गरीब लोग हैं बाबू। ये है मेरा भाई भुलवा, और मैं हूँ इसकी बहन मन्नो। मेरे में नाच गाकर चार पैसे कमाने आए हैं। बाबू है तो हम निर्धन, मगर ना जाने क्यों खाने पहनने का बड़ा शौक है। अच्छे अच्छे कपड़े, चमकदार गहने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत मारा इस मन को, मगर ये मरने वाला मन नहीं। अजी क्यों मरे, इसके दुश्मन मरे, क्यों भुलवा? अब जरा खड़ी हो जाओ। वैसे हम दिल के बुरे नहीं, और जात भी तो नीच नहीं अपनी। मानोगे नहीं, जन्म तो गोसाई मधुसूदन के घर लिया था। फिर बचपन में माँ मर गई। फिर बाप मर गया। और फिर? फिर गांव के शरीफों ने, भद्दर पुरुषों ने बेसहारा अनाथ बच्चों को मंदिर से निकालकर गली गली भीख मंगवाई। बाबू भूखे नंगों का साथ देते हुए लाज को भी लाज आ जाती है ना। हम बड़ी जल्दी काफी बेशरम हो गए। और फिर? फिर एक भिखारी था, उसे मामा बनाकर उसकी उंगली थाम ली। फिर हमारे देश में कैद पड़ा तो मामा ने एक बहरूपिये के हाथ बेचकर अपना हाथ छुड़ा लिया। इस बहरूपिये के साथ हम पंजाब आ गए। आखिर उसका भी टिकट कट गया। अब हम कभी बहरूप भरते हैं, कभी नाचते गाते हैं। यूं अपना पेट पालते हैं बाबूजी। और कुछ? और तो कुछ कहने को नहीं जो कहूं। और साथ साथ चोरी का धंधा भी चालू है बाबूजी। याद रखना, चोरी करना महापाप है। मुझे सिखा रही हो? वाह क्या बात है। सुनो कान खींचो कि फिर कभी चोरी का ख्याल भी दिल में ना लाओगी। ख्याल तो शायद आ जाए, मगर कान खींचती हूँ कि चोरी करूंगी नहीं। सुनो ए सुनो, जियो जियो राजा, बड़ी उम्र हो। अरे भुलवा आज सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा था? अपना ही देखा। जाओ जाकर ठाट से दो जोड़ी कांटे खरीदो। यहाँ बसने वाले बड़े ही निराले, बड़े प्यारे प्यारे, बड़े भोले भाले। मुझे डर है हो जाए दिल की न छुट्टी, लो मैं इनको भूला चलो इनसे कुट्टी। ये ठंडे पसीने जो आने लगे हैं, कदम इस तरह डगमगाने लगे हैं। फरिश्तों की नगरी में मैं
खा गया हूँ मैं। नमस्कार हुकुम, कहाँ से बता रहे हुकुम? मैं न्यू इरा ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड उदयपुर से आया हूँ, ठाकुर साहब से मिलना है। हुकुम वो तो आज दोपहर को अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद चले गए, कब लौटेंगे? हुकुम ये तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, उदयपुर की बस मिल जाएगी ना? हुकुम जरा जल्दी कीजिए। क्यों जी, उदयपुर की बस कब मिलेगी? बस मिलना मुश्किल है बाबूजी, धर्मशाला में उतरी है, यात्री आए हुए हैं, काफी रौनक है। भोजन वोजन का क्या करें? हाँ तो दाल चावल आटा कुछ भी लीजिए और पकाइए और खाइए, यहाँ होटल वाटल तो है ही नहीं। नमस्ते। नमस्ते। अरे वो पानी में आटा मिलाते या आटे में पानी? बताती है, बताती है। अरे बाबूजी, ओ चूल्हा फूक गए हो? पापी पेट की खातिर। इसमें क्या है? मसूर की दाल। ओ, मसूर की दाल। जी हाँ, ये मुँह और मसूर की दाल, मगर न जाने कब गलेगी। यहाँ दाल आसानी से नहीं गलती बाबूजी। हटो, ये काम तुम्हारा नहीं। ए भुलवा, जरा आग तेज कर। जिसका काम उसी को साजे। बाबूजी, खाना बनाना मर्दों का काम नहीं। भुलवा, मैं बाबूजी की रोटी बनाती हूँ। अच्छा तो मैं बाबूजी की चटनी बनाता हूँ, प्याज डालो। डालो 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 डालो, बाबू भला आदमी है, खुश होएगा, बख्शीश देगा। देगा देगा, जरूर देगा। मजा आ गया। दाल रोटी ठीक है ना? ठीक, जिंदगी में इतनी अच्छी दाल रोटी आज पहली बार खाई है। और आखिरी बार। आखिरी बार? रोज रोज मेरे हाथ का पका हुआ खाना कहाँ मिलेगा बाबूजी? ठीक है, कल मैं उदयपुर चला जाऊंगा और तुम लोग, मेला खत्म हुआ तो अपने अपने घर। अपना तो ना कोई घर ना कोई घाट बाबूजी, अपन तो धोबी के, अपन आज यहाँ तो कल वहाँ। खैर, मुझे तो ना ये रात भूलेगी ना ये दाल रोटी। वाह, लो ये तुम्हारी बख्शीश। रहने दो बाबूजी, ये तो दिल लगी कर रही थी। तुम सच समझ गए? तुमने तो पहले पेशगी 1 रुपया दे दिया था, भूल गए? अरे भूलवा, छोटी सी बात के लिए क्यों लड़ता बाबूजी से? अच्छा मजबूर करते हैं तो ले लेती हूँ। अच्छा तो वो कांटे खरीद लिए? ये रहे, इनकी चमक है कि तारों की आंखें चमझा रही हैं। देखो, सचमुच आंखें चुंधिया जाती हैं। और ये गर्म पानी है, गर्म पानी से पैर धोने से थकान दूर हो जाती है, नींद अच्छी आती है। ला मैं तुम्हारे पैर धो दूं।
लाओ मैं तुम्हारे पैर धो दूं। नो थैंक्स, मैं अपने पांव तो धो सकता हूँ ना। अच्छा अब तुम दोनों आराम करो, जाओ। जय श्री कृष्ण, जाओ आराम करो। जय श्री कृष्ण। फिर कल ही चले जइयो, दिल तोड़ के जाना है। फिर कल ही चले जइयो, मुख मोड़ के जाना है। फिर कल ही चले जइयो, दिल तोड़ के जाना है। फिर कल ही चले जइयो राम, दिल तोड़ के जाना है, मुख मोड़ के जाना है। आइए देवी जी, मेरे मुंह से एक बार दारोगा जी निकल गया, अब इसे भूलिए ना, इतना गुस्सा भी क्या। गुस्सा होता तो मैं इस तरह आपसे बात ना करती। देखा मेला खूब
क्या क्या देखा? बहुत कुछ। लीजिए, मैं आपके लिए पुस्तक लाया हूँ, मीरा के भजन, और इस पर मैंने लिख दिया है अशोक की भेंट हरी देवी के चरणों में। अशोक बाबू, मेरी सास का हुक्म है कि ना मैं किसी से कोई भेंट लूं और ना किसी को कोई चीज दूं। मगर मैं तो ये छोटा सा नजराना आपको देकर ही रहूंगा। क्यों? रिश्वत। ऐसा ना हो आप कल फिर मुझे चले जाने का हुक्म दे दें, और मुझे तो इस जगह से प्यार हो गया है। लीजिए ना। अच्छा, अब तो आपकी सास को कोई इतराज ना होगा। धन्यवाद, ये तो मेरे लिए लाए, अपने लिए क्या लाए? अपने लिए एक याद। किसकी? उस एक आध घड़ी की जो पल में बीत गई और जो फिर कभी लौट के आए ना आए, क्या मालूम। मैं बात नहीं समझी। आपको बतलाने वाली बात नहीं देवी जी। अच्छा, ये क्या? इस देश की रीत है कि देवियों के चरण छूने से मुरादें मिलती हैं। अशोक बाबू। भाई मालकिन, अजमेर से मुंशी जी आए हैं। सासू जी ने संदेशा भेजा होगा। पाए लागू मुंशी जी, कहिए कैसे आना हुआ? अजमेर तक खबर पहुंच गई है कि तुमने पंडित जी को बाल बच्चों समेत निकालकर कोई और किरायेदार रख लिया है। पंडित जी को मैंने नहीं निकाला, वो खुद ब खुद मकान छोड़कर गांव चले गए हैं। और नया किरायेदार? वो मैंने रखा है। तो तुम्हारी सासू जी का हुक्म है कि उसे फौरन निकाल दिया जाए। अब ये कैसे हो सकता है? मैं उसे वचन दे चुकी हूँ, बड़ा नेक लड़का है। होगा बेटा, लेकिन दुनिया के मुंह में लगाम कौन दे। देखो बेटी, जिस आंचल को इतने बरसों से संभाले चली आ रही हो, उस पर धब्बा ना आए। नहीं मुंशी जी, इस पर कभी धब्बा ना लगेगा। मेरा और अशोक बाबू का एक ही मकान में रहना दुनिया की नजरों में उचित नहीं। बस यही बात है तो मैं अजमेर चली जाती हूँ। तुम अपनी सासू के स्वभाव को तो जानती हो बिटिया, फिर उनके ताने कैसे बर्दाश्त करोगी? अब सब बर्दाश्त कर लूंगी। ये सीख लिया है कि जिस विद राखे राम, उसी विद रहिए। अच्छा मुंशी जी, मैं सामान बांध लूं, आपके साथ ही चलती हूँ, आज ही इसी वक्त। रामू काका, जमुना, मैं अजमेर जा रही हूँ। अशोक बाबू अगर पूछें तो कह देना मैं अजमेर चली गई। और सुनो, उनका ख्याल रखना। आपको साहब ने याद किया है? आपको साहब ने याद किया मुझे? हाजी कम भाई, यप। मैं कम इन सर? यस सर। आओ अशोक, आओ बैठो, इधर बैठो ना। पिछले हफ्ते तुम ठाकुर साहब से मिलने गए थे ना? जी हाँ, मगर वो मेरे जाने से पहले अहमदाबाद जा चुके थे। ओ, तो तुम्हें खाम खा तकलीफ उठानी पड़ी? जी नहीं, इसी बहाने मेला देख लिया। सिगरेट? जी नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। तुम्हें मकान तो अच्छा मिल गया है ना? जी। खाने पीने का क्या बंदोबस्त किया है? खाने की तकलीफ है, पीने का तो मेरे लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तक तो दोनों वक्त होटल में ही खाता हूँ। सोचता हूँ कोई अच्छा सा रसोईया मिल जाए ना, आसानी हो जाए। मिल जाएगा, मैं मीना से कह दूंगा। देखो अशोक, तुम आर्टिस्ट हो ना, मैं भी कम नहीं।
इसमें मेरे खींचे हुए फोटोग्राफ्स हैं। इसको पिछले बरस नुमाइश में फर्स्ट प्राइज मिला है। वेरी गुड वेरी गुड। ये कन्या कौन है? ये भी कोई तस्वीर अच्छी है ना? क्लास। आओ मीना, कम इन। मीना मेरे पेपर्स भी गाड़ी में रख लेना। अशोक चलो आओ मेरे साथ कार में, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँ। थोड़ा सा काम बाकी है। अरे छोड़ो ना यार, 6 बजने लगे, छुट्टी करो। नहीं आप जाइए, मैं इस वक्त घर जाके करूंगा क्या। अरे जमुना सुनो तो। जी सरकार। जमुना हरिदेवी जी कहाँ गई? सरकार वो अजमेर चली गई। कब? कल रात। क्यों? उनकी सासू जी ने बुलाया था सरकार। चुपचाप चले गए, जाते हुए मिलकर भी नहीं गए? सरकार आप सो रहे थे, मेरे बापू से कह गई है कि हम लोग आपका ख्याल रखें। अच्छा ख्याल रखना मेरा। आपके कमरे में चोर घुसा है? हाँ। कुछ फिर कुछ अंदर गया है। वो जा किधर है? किधर है? किधर है? नमस्ते बाबूजी। रमजान की मुर्गी लेकर भागा है? हाँ। क्यों बाबू पकड़ा गया? यहाँ तो कोई भी नहीं, ये मुर्गी किसकी है? मेरी है। मैं पूछता हूँ चोर कहाँ है, उसे जरा मेरे हवाले करो। यहाँ तो कोई भी नहीं। किस्मत अच्छी थी, अगर मेरे हाथ आ जाता तो बोटियां नोच लेता। मुझे पहचाना? पहचान लिया। ये मुर्गी निशानी छोड़ गई है। उदयपुर कब तशरीफ लाए? कल आए थे। मेरे घर का पता कैसे मिल गया? हमें क्या पता था कि आपका घर है बाबूजी। बुलवा ने मुर्गी पकड़ी, मुझे दी, मैं लेकर भागी, मेरे पीछे पीछे लड़के भागे और मैं यहाँ आकर छुप गई। बस किस्मत अच्छी थी ना। पहले कपड़े पहने, फिर खुद चलकर मुझे पुलिस चौकी में छोड़ा। मैं भागूंगी नहीं, जाकर कपड़े पहन लो ना। याद है जब मैंने कहा था कि कान खींचो तो फिर कभी चोरी का ख्याल भी दिल में ना लाओगी? तो फरमाया था ख्याल तो शायद आ जाए, हाँ चोरी करूंगी नहीं। झूठी लातों के भूत बातों से नहीं मानते बाबूजी। बस मुझे पुलिस चौकी में छोड़ा, जब चक्की पीसनी पड़ेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम समझती तो हो ना कि ये जो कर रही हो वो अच्छा नहीं। चोरी करना महापाप है। गोसाई जी के बच्चे और मुर्गियां चुराए, छी छी छी। घोर कलजुग आ गया बाबूजी, मुझे क्या हो जाता है, मेरी अकल पर पर्दा पड़ जाता है, बाद में पछताती हूँ। अगर मैं दिल चीर कर दिखा सकती तो दिखाती कि इस समय मेरा मन कितना लज्जित है, मैं कितनी पशिमान हूँ। जिंदगी दो बार अचानक तुम्हारे सामने लाई बाबू, और दोनों बार एक चोर की हैसियत से। इस धंधे में कितना खतरा है इसका अंदाजा है। लिबास मर्दाना है मगर जिस्म तो लड़की का है। आज उन मुस्टंडों के हाथ आ जाती तो क्या होता? क्या? वाह
क्या भोलापन है, पूछती है क्या? अरे बोटिया नोच लेते तेरी। बोटियां तो अपनी लोग किसी न किसी दिन नोच के रहेंगे, अगर यही धंधा रहा तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तुम समझती भी हो और फिर समझ में नहीं आता। बीमारी पुरानी है बाबूजी, रह रह के दौरा पड़ता है। सुनाई थी ना मैंने अपनी जीवन कथा, अपना कौन था जो शुरू ही से कान खींचता, बिगड़ते बिगड़ते आदतें बिगड़ गई। बाबूजी, इस दुनिया के बागीचे में जहाँ फूलों फलों के दरख्त है, वहाँ मुझसे कुछ कांटेदार झाड़ियाँ भी हैं। अब है, क्या किया जाए। चलो चले पुलिस चौकी। चलो आओ। अच्छा बाबूजी, पुलिस वाले जाते ही कार्रवाई शुरू करते हैं या कुछ खाना वाना पूछते हैं? कार्रवाई इतनी जरूरी नहीं, जाते ही पहले पूछते हैं, कहिए क्या क्या मंगाए खाने के लिए। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पेड़े, समोसे। बस बस। मिजाज कैसे हैं? सब कुशल है। शट अप। लड़की तुमने पुलिस चौकी देखी नहीं, बड़े बड़ों के होश ठिकाने आ जाते हैं वहाँ। जिंदगी भर नहीं भूलेगी हवालात की रात, समझी? जाओ, न जाने क्यों तरस आ जाता है तुम पर, फिर लिहाज किया तुम्हारा। सुना, क्या नाम है तुम्हारा? मनु, वैसे मनोरमा। मनोरमा, अच्छी बन जाओ ना। मैं? नहीं, मैं। तुम तो बड़े अच्छे हो बाबूजी। मैं क्या करूं? नौकरी कर लो, फिर चोरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। नौकरी? कैसी नौकरी देगा कोई मुझे? खाना पकाने की, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। कहाँ ढूंढू खाना बनाने की नौकरी? मैं देता हूँ, अभी इसी वक्त। बाबूजी, भाई बहन यहाँ रहो, यहाँ रामू काका और उसकी बेटी जमुना रहते हैं, खुद पकाओ, खुद खाओ, मुझे भी खिलाओ। बाबूजी, मैं भी दुनिया के बागीचे में एक बेकार सा झाड़ हूँ। तनख्वाह मिलेगी? मिलेगी, 30 रुपए महीना। एक बात और। वो क्या बात? तुम दोनों को लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, और देखना लिखा पढ़ा के लड़की, तुम्हें आदमी बना दूंगा। बाबूजी, औरत से आदमी बना दोगे? कैसे? जानवर से इंसान बना दूंगा, और ऐसे। हाँ कह दो। हाँ कह दी। तो चलो आओ। तुम खिचड़ी विचड़ी बनाओ और मैं तुम्हारे ढेरे से भुलवा को ले आऊं। कहाँ है वो? नमस्ते, मेरे लिए तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो तुम भी यहीं थे? जी। चलो आओ। देखना सर बचा कर, ये अपना रसोई घर है, आओ। मैं जरा रामू काका और उसकी बेटी जमुना से कह दूं कि तुम्हारे सोने वोने का इंतजाम कर दे। साहब जी, कल हम देरे से सामान ले आएंगे। साहब जी, अभी इन कपड़ों में बाहर निकले तो ऐसा ना हो कि पकड़े जाए। लो, अब ये घर तुम्हारे हवाले, मैं काम से जा रहा हूँ। काम से जा रहा हूँ बुलवा बेटा, ये तो गया काम से। क्या मतलब? ये अपना साहब, ये लक्का कबूतर, देखना एक दो दिन में ठंडी आहें भर कर दिखाएगा, प्यार के गीत गुनगुनाएगा। ये नहीं मन्नो, भला आदमी दिखता है बेचारा। दिखता है, ये हमें बना रहा है? अबे लमड़े, हमने घाट घाट का पानी पिया है, तू क्या समझ रही है बे? बुलवा, इस बेचारे ने तो पानी तक नहीं मांगा। एक गिलास पानी देना, मैं पी के जाऊंगा। हम आपस में बातें कर रहे थे। क्या? भुलवा कुछ बोलना, मैं पानी लाती हूँ। मैं बोला अपना साहब दिल का अच्छा है, लो। और मैं बोली
देखने में भी बुरा नहीं, लेकिन जरा नाक लंबी है। ए, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूं, देखना ध्यान से। ओ, तो अब हम लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। लिखना पढ़ना कब चालू करेंगे? कल से। क्या हुआ? अबे खबरदार, करते करते बाबू ने अपना सर फोड़ लिया। जाकर देखो चोट तो नहीं आई? देखो, देखा? अरे ये तो मामूली सी खराश है भुलवा। चोट वो कि खून बहे, पट्टियां बंधे, रुई गरम हो, ये तो कुछ नहीं। हमारी जान गई, आपकी अदा ठहरी। भुलवा, पकड़ तेल की बोतल और मार साहब के सिर पे थोड़ा तेल। चलो बाबूजी, कोट उतारो और इधर आओ। हाय। सामान लिया डेरे से? भुलवा, जरा ला तो पाटे खां को, साहब से मिल ले बेचारा। पाटे खां? अभी आ रहा है। लो पाटे खां आ गया। ले भुलवा, ला दे दो। नाम तुम बड़े अजीब अजीब रखती हो, मेरा नाम भी रखा है? कल ही रख दिया था। कल ही रख दिया था क्या? बता दो ना, बता दो, बता दो। क्या शादी का चांस? कुछ और। कुछ और क्या? लगता कबूतर। बस तुम्हारे हाथ थक जाएंगे। देखा, सब ठीक हो गया। अपने हाथ में करामात है, थोड़ी देर और मालिश करूं तो सर के बाल गायब हो जाए। मेहरबानी। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, गुड नाइट। तो अपनी नहीं पराई है,
ऐसी चंचल शरीर और झूठी, फिर भी दिल को ये ऐसी भाई है। हाथ हाथों में ले लिया मैंने दिल नादा, ये क्या किया मैंने सोचता हूँ। ये क्या किया मैंने, क्या ये सर दर्द ले लिया मैंने सोचता हूँ। की आदत है, मैंने भी तुम्हारा नाम रख दिया, मन्नो से मन्ने बना दिया। हाँ मन्ने, नाक कितनी थी, आप इतना सा हुँ? जी तबीयत ठीक है ना? पूछो मत। कब आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ ला सकते हैं? ऐसा अच्छा खाना खिलाऊंगा कि मजा आ जाए। देखो दोस्त, मैं कल बताऊंगा कि मैं कब आ सकता हूँ। कहाँ से मिल गया ऐसा बावर्ची जो इतना मजेदार खाना बनाता है? राम जब देता है तो छप्पर फाड़ कर, खुद ही कहीं से आटपकी। आटपकी? ओ, तो बावर्ची नहीं बावर्चन है। जी खाना बड़ा अच्छा बनाती है, खुद बड़ी अच्छी है, दोनों बातें हैं। हाँ तो फिर किस रोज? बस मैं दिल्ली से लौटा हूँ, फिर दावत खाने आऊंगा। अच्छा नमस्ते। जा रहे हो? जी 4 बज गए।
बाहर बारिश हो रही है। अभी थम जाएगी। घबराते क्यों हो बाबूजी? मैं हूँ। तुम? अरे ये क्या बैरूप बदला है? जमुना की बहन नागपुर से आई है, उससे दोस्ती हो गई पक्की। आज उसके कपड़े पहन लिए, इतने में बारिश शुरू हो गई। मुझे ख्याल आया अपना साहब भीग जाएगा, बस फिर छतरी ली और यहाँ आकर इंतजार करने लगी। क्या जरूरत थी तकलीफ करने की? अजी तुम्हारे नौकर हैं साहब, नौकरी बजाए तो पूरी बजानी चाहिए, मालिक खुश होगा बख्शीश देगा। बख्शीश का बड़ा ख्याल रहता है, ये लो। ओ, तो ये है सहेलियों की बाड़ी। अच्छा बाबूजी, खुशी से भी आंसू निकल आते हैं ना? हाँ मन्ने, खुशी से भी आंखें छलक आती हैं। मैं और भुलवा आज दोपहर को बहुत खुश थे। जो लिहाफ तुम हमारे लिए लाए हो ना, हम दोनों उसमें मुंह छुपाकर देर तक हंसते रहे। लिहाफ में मुंह छुपाकर हंसते रहे क्यों? इसलिए कि हमारे खुशियों को नजर न लग जाए। बाबूजी, ये सपना तो नहीं ना? नहीं मम्मी। जरा चुटकी लो, जरा जोर से। ये सपना नहीं बाबूजी, तुम इतने मेहरबान क्यों हो? नहीं तो? चल झूठा। ए बेअदब, तमीज से बात करो। कहो सारी, कहो सारी। सारी, मेरी बात का जवाब दो, तुम इतने मेहरबान क्यों हो? तुम्हारी कोई अदा भाग गई और फिर जाने क्या बात है जो दिल में समा जाती है। मन्नो। मन्ने। हाँ मन्ने, जैसे तुम यतीम हो ना, वैसे मैं भी यतीम हूँ। ओह, तो यतीम खाना खोलना है? नहीं बुद्धू, मेरा दिल कहता है कि तुम रास्ते में गिरा हुआ कांच का टुकड़ा नहीं, हीरा हो, हीरा जो किस्मत से जौहरी के हाथ लगा है। जौहरी? लक्का कबूतर गुटर गुंगो गुटर गुंगो गुटर गुंगो। चलो फिर बारिश आ जाएगी। आज दोपहर को क्या किया? जो सबक पढ़ा था वो रटते रहे। उई क्या? पैर में कीला लग गया बाबू। अच्छा बाबू जी, सच बोलना, सच बोलना, मैं लड़की हूँ और तुम आजकल अकेले, इसलिए तो मेहरबानियां नहीं मुझ पर कि सब्ज बाग दिखाकर अपना उल्लू सीधा करना है। मम्मो, क्या बकती हो बेशरम? ये मेरा विचार है बाबू, और मैंने दुनिया देखी, मैंने देखा है कि मेहरबानों ने सर पर हाथ रखते रखते कमर तक हाथ ले जाने की कोशिश की और फिर एक देनी पड़ी उल्टे हाथ की। डर लगता है बाबू, कभी कभी बहुत डर लगता है। सुन लड़की, मेरे मुतलक ना कभी ऐसी बात दिल में लाना ना जवाब। आज ये बात कहकर तुमने मेरे मुंह पे चांटा मारा है, चाह नहीं चाहिए तुम्हारी छतरी। सुनो तो बाबूजी, बाबूजी ठहरो, बाबूजी। दूध? बड़ा गुस्सा आ रहा है, अभी तक नहीं उतरा, आखिर बच्चे हो। मैं बच्चा नहीं। अच्छा, मुंह से तो इस वक्त भी दूध की बू आ रही है। बातें ना बनाओ, जाओ मुझे काम करने दो। बाबूजी, कसूर तुम्हारा है, जो छोटे आदमियों को मुंह लगाता है उसका यही हाल होता है। और चढ़ाओ नौकरानी को सर। देखो बाबूजी, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, कल हम उड़नचू हो जाएंगे। नहीं। क्यों? मेरा हो। अच्छा अच्छा मखनू। Thank you.
मुस्कुराए जा रही हो। जवां मोहब्बत हसीन आंखों में किस लिए मुस्कुरा रही है, किस लिए मुस्कुरा रही है। जवां मोहब्बत हसीन आंखों में किस लिए मुस्कुरा रही है, किस लिए मुस्कुरा रही है। क्यों 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 जी, जो बात आई थी अपने दिल में, जो बात आई थी अपने दिल में, वो उनके दिल में, वो उनके दिल में भी आ रही है। जो बात आई थी ये भीगी भीगी हसीन रातें, ये भीगी भीगी हसीन रातें, ये प्यारी प्यारी तिहारी बातें, तिहारी बातें। बहार आई, बहार आकर कोई नया गुल खिला रही है, कोई नया गुल खिला रही है। बहार आई है, जरा मेरा हाथ हाथ मिलो, जरा मेरे दिल पे हाथ रख दो, हाथ रख दो। क्यों 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 जी, सुनो तो इस बेजुबान दिल से ये कैसी आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है। जो बात आई है तेरे दिल में, वो मेरे दिल में, वो मेरे दिल में भी आ रही है। जो बात आई है, ये चाहता हूँ तुम्हें सजा लूँ, यहाँ छुपा लूँ, यहाँ बता लूँ, यहाँ बिठा लूँ। क्यों 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 जी, मुझे बहुत प्यार आ रहा है, मगर मुझे नाज आ रही है, मगर मुझे नाज आ रही है। जो बात आई थी अपने दिल में, वो उनके दिल में, वो उनके दिल में भी आ रही है। जो बात आई थी, दस बज गए। आज मुझे दफ्तर जाने दोगी या नहीं? कैसे जाने दूं? बुलवा दही लेकर आ जाए, दही खिचड़ी खाइए और जाइए। देखो मैं दफ्तर में नाश्ता कर लूंगा। जी नहीं, जो मालिक खादमा के होते हुए बाहर नाश्ता करे उसको गोली मार देनी चाहिए। क्या अर्ज करो, लीजिए बुलवा आ गया। बुलवा बेटा, जरा खिचड़ी उठा लाना, साहब को देर हो रही है। हाँ देखो, मैं कहना भूल गया, आज अपनी इज्जत का सवाल है। श्री प्यारेलाल शाम को मेरे साथ खाना खाने आ रहे हैं। बड़ो हुकुम। और खाना ऐसा हो कि मजा आ जाए। बड़ो हुकुम। और तमीज से बात करना। बड़ो हुकुम। और जरा घर सजा वजा के। बड़ो हुकुम। और बड़ो हुकुम। जरा पूरी बात तो सुनो। बड़ो हुकुम। आगे आगे आगे। आइए आइए, तशरीफ लाइए। प्यारे लाल जी, प्यारे लाल जी, श्री प्यारे लाल जी। सोचा था क्या? क्या हो गया? जरा मेरा हाथ बटा। आई राम,
चला। उठा चला। तुम दोनों इनका ख्याल रखना, मैं डॉक्टर को लेके अभी आया। हाय, अब क्या होगा? घबराते क्यों हो भुलवा? बेहोश हुए हैं, अभी होश में आ जाते हैं। हम ले आते हैं होश में। प्यारे श्री प्यारे लाल जी अभी भगवान को प्यारे नहीं हुए। ये तू है? पगला है तू तो, मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। सुन, वही अपना पुराना तरीका। और देख साहब का उस्तरा उठाना। ये जो गले में फांसी है ये काट दो। ये लो उस्तरा। तो फिर लो राम का नाम। तो फिर ले राम का नाम। नमस्ते जी, मेरा नाम भुलवा है, ये मेरी बड़ी बहन मनोरमा। नमस्ते जी। नमस्ते। आ गए आपके होश ठिकाने? आ गए। मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। इधर आपने अंदर कदम रखा, इधर ये 12 सिने का सर जिसके सर पे सींग है आपके सर पर गिरा, और आप देखते ही देखते गुल। अशोक कहाँ है? हमारे साहब आपके लिए डॉक्टर लेने गए हैं। खाना तैयार हो तो फौरन लाया जाए, मुझे सख्त भूख लगी है। आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा खाना बनाती हूँ मनोरमा। हैं? मनोरमा नाम है ना? जी। काम खाना बनाना? काम तो अपना कुछ और है, खाना तो बनाना ही पड़ता है पापी पेट की खातिर। असली काम कुछ और है क्या? नाचना गाना। अच्छा, ये तो अशोक ने मुझे बताया ही नहीं। जरा इधर आओ, इधर आओ। ये शक्लो सूरत और फिर ये गुण के नाचना गाना भी आता है। वाह 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 वाह, फिर तो क्या कहने। मेरे बड़े भाई का अपना थिएटर है जो दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जाकर शो दिखाता है। इसमें हर आर्टिस्ट को जानती हो क्या तनख्वाह मिलती है? तुम अंदाजा नहीं लगा सकती जो मेरी और अशोक की तनख्वाह मिलाकर एक बरस की है वो हर लड़की को हर महीने मिलती है। आर्ट की बड़ी कीमत है, और वहां जहां आर्ट की कदर करने वाला हो यहां कौन पूछता है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जरा बंबई कलकत्ते जाकर देखो, ये फिल्म स्टार है ना, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो बड़े बड़े बंगले, रेशमी लिबास, जर्क बर्क, नौकर चाकर, हीरे जवाहरात। एक बार इधर से गुजरे तो साहब एक हफ्ते तक इतर की खुशबू आती है, और लोग हैं
के कदमों में बिछे जाते हैं। सुना मनोरमा, इधर आओ मनोरमा। और लोग हैं कि कदमों में बिछे जाते हैं। मनोरमा। हाँ जी। तुम अपने फन का नमूना दिखा सकती हो? दिखाओ जरा सा नमूना, दिखा दो मनोरमा। फिर देखो, देखते ही देखते फर्श से लेकर अर्श तक पहुंच जाओगी। हाँ जी। तुम्हारा रेशमी लिबास देखकर लोगों की आंखें चुंधिया आ जाएंगी, और जब तुम मोटर से उतरो तो लोग राह में आंखें बिछाएंगे। मनोरमा। हाँ जी। मनोरमा, कब दिखाती हो अपने फन का नमूना? अभी, इसी वक्त। साहब आ जाए, अभी आ जाएंगे, फिर हम आपको अपने फन का नमूना दिखाएंगे। भुलवा। ठहरिए, हम अभी आते हैं। भुलवा, तकदीर आज खुद चलकर हमारे पास आई। तुम लो अपना वालेट और मैं आज। जरा मेरी बात ध्यान से सुन लो। अपने साहब बड़े अच्छे हैं, और ये अच्छा नहीं कि उनसे पूछे बिना हम नाचना गाना भी शुरू कर दें। भुलवा, ये सीढ़ी देखिए, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती है, और सीढ़ी पर चढ़ते हुए जो पांव पहले यहाँ रखा जाता है उसको उठाकर उससे ऊपर वाले डंडे पर रखना पड़ता है, और फिर उसको उठाकर उससे ऊपर वाले डंडे पर। इस तरह आदमी यहाँ से वहां पहुंचता है। भुलवा, अच्छे कपड़े और बढ़िया गहने पहनने के ख्वाब मैंने सदा ही देखे। वो पूरे होने दे, मेरा साथ दे बावले। देख, तू साहब को घड़ी भर के लिए दिल से निकाल दे, काम बनता है बनने दे, और फिर हम साहब का कुछ बिगाड़ नहीं रहे। अच्छा, मनो, हम सचमुच बड़े कमीने हैं, बड़े मतलबी। दुनिया में कौन बिना मतलब के बात करता है? साहब, और भी तो कई लोग सड़क पर भीख मांगकर दिन काट रहे हैं, साहब उनको घर में क्यों नहीं ले आते? मुझ पर मेहरबान है तो अपने दिल से मजबूर है। एक दिल उनको मिला है, एक दिल तुम्हें। देख लेना भुलवा, मैं ही अच्छी रहूंगी। मेरा दिल सोच समझकर सहूलत हो तो पिघलता है, ऐसा नहीं कि चटका तो फिर चटक गया। गरीबी की दलदल से निकलने दे भुलवा, और फिर हम भी साहब पर कोई एहसान कर सकेंगे। क्यों? जो दिल कदमों पे रख दे तू उसे ठोकर लगाना है, जो तेरा हो चुका है तू हंसी उसकी उड़ाता है। बड़ा बेदर्द है उल्फत का यो बदनाम करता है, मैं तुम पर जान देता हूँ तो तू वैरूप मरता है। दिल तोड़ के जाना है, मुख मोड़ के जाना है, यूं छोड़ के जाना है, फिर कली चले जइयो। दिल तोड़ के जाना है, फिर कली चले जइयो राम। दिल तोड़ के जाना है, मुख मोड़ के जाना है, यूं छोड़ के जाना है। अरे क्या बात है, क्या कहने, वाह वाह वाह। कुर्बान जाऊं मिस्टर पैरेलाल। पैरेलाल जी, मैं आपके डॉक्टर साहब को ले आया हूँ। मेरा ख्याल है डॉक्टर की जरूरत तो नहीं रही। अजी, अब डॉक्टर साहब की कोई जरूरत नहीं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। मैं शायद भूख से बेहोश हो गया था। अशोक, माफ करना दोस्त, भूख बहुत लगी थी, मैंने खाना खा लिया, इंतजार नहीं किया। वाह वाह, बहुत उम्दा खाना था। ये लड़की
قیامت ہے قیامت واقعی ہیرا ہے ایک بے داغ ہیرا اپنی نگاہ جوہری کی ہے یہ لڑکی فتنہ ہے فتنہ یہ پیارے لال کی رائے ہے تھینک یو او یو آر ویلکم اچھا نمستے نمستے جی اجی دور سے نہیں پاس آ کر ہاتھ ملائیے سنو میں آج ہی بھائی صاحب کو لکھوں گا وہ شاید تمہارے کچھ فوٹوز منگوائیں گے وہ تو منگوائیں گے ہی اور پھر فوٹوز تمہارے میں کھینچوں گا اشوک سے پوچھو میں کتنا اچھا فوٹوگرافر ہوں اور مجھے کتنے انعام مل چکے ہیں بھولیں گے تو نہیں اجی واہ میں اور تمہیں بھول جاؤں اور ہاں اس کی ضرورت نہیں آپ دوست کے گھر کھانا کھانے آئے تھے کسی گانے بجانے والے کے یہاں گانا سننے آئے پلیز گڈ نائٹ جو کچھ ہوا مجھے اس کی امید نہ تھی تم نے جس نام سے چاہا مجھے پکارا تم نے جس طرح چاہا مجھ سے دل لگی کی اور میں ہنستا رہا اور آج تک اف نہ کی لیکن تم میری بے عزتی کسی کے سامنے کرو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا سنتی ہو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا مجھے ایک ہی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے آبرو عزت عزت مجھے جان سے پیاری ہے سمجھی عزت مجھے جان سے پیاری ہے میں بھی تو تمہاری بہتری کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوں مگر میں تمہیں سب کے سامنے ناچنے والی ایکٹریس نہیں ایک بھلی اور نیک گھریلو عورت کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں بھلی عورتوں کو یہی شوبھا دیتا ہے اس دیش کی دیویوں کا تیج دیکھنا ہو تو کبھی ہری دیوی کے درشن کرنا سمجھ میں آئی میری بات کبھی میرا سپنا سچا ہونے دو گی یا نہیں کبھی میرا سپنا سچا ہونے دو گی یا نہیں سنتی ہو میں کیا بک گیا بابو جی بھول ہو گئے معاف کر دو نا معاف کر دو بھولوا نے مجھے سمجھایا مگر میری کھوپڑی کہیے نا معاف کر دیا بولیے نا جو چاہے سزا دے دیجیے بابو جی بابو جی اچھا تو میں چھت سے کود کے مر جاتی ہوں منو یہ کیا پاگلپن ہے منو کہیے نا منو کان کھینچو کہ پھر ایسی بھول نہ کرو گی کان کھینچو سن میری بات ادھر بیٹھ ذرا دھیان سے سن ٹھیک سنتا ہے میرا بات سنو میں کیوں سنوں اس لیے سن کہ سوائے تیرے اس دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں جس سے کہوں دل کی بات لائسی بات پہ پھر ہاتھ ملا آنکھ ملا چل سنا کون سی ہے بات سنا جلدی سنا تم بڑی اچھی ہو اچھا مگر اب بچہ نہیں اس لیے لڑکے جہاں ہو وہاں جایا نہ کرو مجھ کو ڈر ہے یہی ڈر ہے میری نازک سی کلی کہ نظر تم کو نہ لگ جائے کسی بھورے کی تم جو ہو دیکھے مجھے جو بھی بری نظروں سے پھوڑ کر دیدے دکھا دینا اسے تم کیا ہو میں تو کچھ بھی نہیں اچھا جی تو میں بدھو ہوں سن میری بات ادھر دیکھ ذرا دھیان سے سن میں تو پگلی ہوں بھلے کچھ بھی کروں لیکن تم مجھ کو غصے بھری آنکھوں سے ڈرایا نہ کرو
मैंने खुशियां कभी देखी नहीं तेरी कसम। जाने अब क्यों मुझे दिन रात हंसी आने लगी। तू फरिश्ता है, सितारे हैं तेरी आंखों में, रोशनी जिनकी अंधेरों को उजाला कर दे। साथिया, साथ तेरा मिल तो गया, देख मगर हाथ में हाथ दिया है तो निभाना, समझे। शरबती आंखों में लाकर ये लरसते मोती मुझको दीवाना बनाकर ही रहोगी एक दिन। सुन मेरी बात, इधर बैठ, जरा ध्यान से सुन, यार तू बड़ा अच्छा है। क्या है जमुना? बाबूजी, एक अच्छी सी खबर सुनो। क्या इनाम देंगे? कौन सी अच्छी सी खबर? ये देखिए, हरी देवी जी का पत्र आया आपके नाम। लाओ लाओ। अशोक बाबू, तुम समझते होगे कि जिस तरह तुम मुझे भूल गए, मैंने भी तुम्हें भुला दिया होगा। नहीं, ये बात नहीं। तुम्हारी बातें हमेशा मुझे याद आती हैं और कई बार उनकी याद जीवन के दुखों को झेलने के काबिल बना देती है। तुम्हारी बातें ही ऐसी हैं। अजमेर वाले मुझसे तंग आ गए हैं। उदयपुर वालों को मेरी ज़रूरत हो तो लिखना, इन बुलाए तो मैं भी ना आऊँगी। साहब, सवेरे सवेरे सामान बांध रहे? मेरा हवाई जहाज सवेरे सवेरे जाता है भुलवा। आप जा रहे बाबूजी? कहाँ? जहाँ श्री प्यारेलाल मुझे भेज रहे। कहाँ भेज रहे हैं श्री प्यारेलाल? दिल्ली। मन्ना, जरा मेरी जेब से चिट्ठी देना तो। ना बाबा, मैं नहीं डालती हाथ आपकी जेब में। लीजिए, खुद निकाल लीजिए। इधर आ लो, एक बार पढ़कर तो सुनाओ ये चिट्ठी। पढ़ो ना, अब तो तुम पढ़ लेती हो। बिन बुलाए तो मैं भी नहीं आऊंगी। दस्तखत दारोगा जी। दारोगा जी का मतलब समझती हो? नहीं। नहीं समझती? हरी देवी, जिन्हें मैंने भुला दिया था परंतु जो मुझे ना भूलूं। मैं दिल्ली से आ जाऊं, उन्हें बुलवा रहा हूं, देखना वो कितनी अच्छी हैं। दंग रह जाओगी तुम। ये आपकी सगे वाली है? सगा तो मेरा कोई भी नहीं इस संसार में। बताया था ना एक दिन, वो मालिक मकान, मैं किरायेदार, मगर वो कितनी अच्छी हैं और मेरा कितना ख्याल रखती हैं। उन्हें देखकर मुझे पार्वती की याद आ जाती है। पार्वती? मेरी दो बहनें थी, जानकी और पार्वती। बाबूजी, प्यारेलाल आपको दिल्ली क्यों भेज रहा है? वो अपने अफसर हैं, जो कहे करना होगा। इनका हुक्म मानना जरूरी है। अच्छा, तो सुनिए, मुझे भी साथ ले चलिए। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। बाबूजी, जल्दी वापस आ जाओगे ना? उड़कर, हवाई जहाज से जा रहा हूँ, हवाई जहाज से आऊंगा। सुनो, चलो तुम मुझे एरोड्रम तक छोड़ा, तुम और बुलवा, कंपनी की जीत तो आ रही है। जरूर जरूर, क्यों बुलना हो? क्यों मन्ने? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, यू गुड मास्टर।
भुलवा घर में नहीं। कौन? आप? खाकसार को प्यारेलाल कहते हैं, पहचान लिया? अशोक बाबू आज भी नहीं आए। मालूम है, मगर मैं अशोक बाबू से मिलने नहीं आया। काम तो मनोरमा को मुझसे है और मुझे मनोरमा से। परसों मैंने फिर ड्राइवर भेजा था। घर में होते हुए मनोरमा ने उसे कह दिया कि मैं घर पर नहीं। उसने हर बहर मुझसे कह दिया कि कहती हैं कह देना मैं घर पर नहीं। मैं समझ गया, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मेरा ख्याल है परसों दुश्मनों की तबीयत जरा नासाज थी, एक दिन और इंतजार किया। कल फिर मैंने गाड़ी भेजी थी। कल फिर मैंने वापस कर दी थी। हाँ, और उसकी वजह यह है कि अभी फैसला नहीं कर पाई थी कि जाया जाए या दो दिन और इंतजार किया जाए। देखो मनोरमा, जहां दो दिन इंतजार करने का सवाल पैदा होता है, वहां मुनासिब यही है कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। देखो मनोरमा, अशोक अभी बच्चा है, उसने देखा ही क्या है, और औरतों को मैंने जरा करीब से देखा है। ये जालिम जबान से कुछ और कहती हैं, मन में कुछ और होता है। देखो मिसाल के तौर पर, ये वही बेबाक नजरें हैं जिन्होंने सरूर में आकर उस शाम हंस हंस कर यही कहा था कि भूलिएगा नहीं। भूल गई, और आज वही नजरें जमीन में गड़ी जा रही हैं। तौबा, इस मुद्रे को क्या कहते हैं आप लोग? मनोरमा, ये संगे मरमर के हाथ जिंदगी भर चूल्हा फूकने और बर्तन घिसने के लिए नहीं बनाए भगवान ने। आज फोटो खींचने चाहिए ताकि जल्दी भेजे जा सकें। क्या ख्याल है? मेरे पास फोटो खिंचवाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं। हमारे साहब आ जाए फिर देखा जाएगा। देखो इसमें दो साड़ियां और दो ब्लाउज हैं, जो पसंद आए पहन लेना। आधे घंटे तक गाड़ी भेजूंगा। बाबूजी आना है तो जल्दी आना, जल्दी आना। मन्ने। ओ बाबूजी। मन्ने मैं आ गया। ओ बाबूजी, ओ बाबूजी, ओ बाबूजी। मन्ने, ओ मन्ने, तुम्हें हुआ क्या? मन्नो, लो भुलवा आ गया, मैं उससे पूछता। नमस्ते बाबूजी, आप कब आए? अभी भुलवा, तुमसे कहा था मन्नो का ख्याल रखना, ये इतनी सहमी हुई क्यों है? अभी अभी तो भली चंगी थी, गा रही थी, छैल छबीला छोकरा, क्यों अब क्या हुआ इसे? मन्नो, कुछ नहीं हुआ मुझे। बाबूजी, ये लड़कियाँ बड़ी चालाक होती हैं। जैसा मौका देखती हैं, वैसे ही एक्टिंग मारती हैं। बस 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 बस, लड़ने की जरूरत है? बुलवा जाओ, जरा नीचे से सामान ले। बस 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 बस, बैठो। मेरे जाने के बाद रोती ही रही कि कुछ लिखाई पढ़ाई भी की? बोलो बोलो ना। एक चिट्ठी लिखने की कोशिश की। किसे? आपकी हरी देवी को। देखो मैं पढ़कर सुनाती। देवी जी, आपके अशोक बाबू पर एक लड़की ने डोरे डालकर मोह जाल में फांस लिया है।
लड़का तो आप जानती हैं, बड़ा ही भोला भाला है, मगर लड़की लड़की बड़ी खराब है। कोशिश करती है अच्छा बनने की, परंतु कहां राजा भोज और कहां। क्या लिखा है? भगवान मुझे बल दो, भगवान मुझे बल दो, भगवान मुझे बल दो। ये देखो मन्ने, मैंने तो सचमुच पत्र लिखा है हरी देवी को। हाँ, पत्र मिला, बड़ी खुशी हुई। मेरी मनोरमा की सूरत चांद सी है, उम्र 16-17 बरस की होगी, 17.5। मैंने फैसला कर लिया है कि अब इसे अपनी जीवन साथी बना लूं। आपकी शर्त भी पूरी हो जाएगी कि इस मकान में पत्नी के साथ ही रहा जा सकता है, लेकिन ये शुभ काम होगा आपके हाथों। बोलिए कब आ रहे हैं? क्यों 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 जी? आज कसम खा कि मुझे कभी अकेली छोड़कर नहीं जाओगे। पगली मुझे टूर पर जाना पड़ता है। पगली मुझे छोड़कर नहीं जाना, समझे? तुमने कहा था ना कि मैं बड़ा बड़ा कीमती हीरा हूं। ठीक कहा था, तुम हो। गुम हो गया तो? देखो मन्ने, जिसे गुम होना होता है उस पर 1000 पहरे लगा, वो गुम होकर ही रहेगा। मन्ने, दिल प्यार के कच्चे धागे में पिरोए जाते हैं, फलादी जंजीरों में नहीं जकड़े जाते। ये किताबों में पढ़ा होगा बाबूजी। किताबें बहुत पढ़ ली है ना, जिंदगी नहीं देखी। मुझसे पूछिए, बुजुर्गों ने कहा है, तलवार घोड़ा औरत उसी के जो काबू में रख सके। दिल से पूछिए। दिल से पूछा मन्ने, और जब भी पूछा यही जवाब मिला कि अपने विश्वास से पूछो। विश्वास क्या बोला? बोला मेरा मन्ना मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है। बस अब बहुत जल्द हरी देवी आकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे देंगी, है ना खुशखबरी? तो एक खुशखबरी मैं भी सुना, हेड ऑफिस से इतना मिली है कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। चुनाचे 60 रुपए माहवार तरक्की मिल गई है। कल आए और आज तरक्की मिल गई, क्या तकदीर पाई है। ये सब आपकी मेहरबानी का नतीजा है, वरना मैं और इतनी जल्दी तरक्की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया? मैंने क्या किया? आपने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने वाले हैं। आप मेरे सच्चे दोस्त हैं, हालांकि मैं तो गरीब सुदामा हूँ, मेरा आपका क्या मुकाबला। आपको मेरी बेहतरी का इतना ख्याल है, इसका फल तो आपको भगवान ही देगा। मैं नाची मैं अशोक दोस्त, ये तरक्की तो दिल्ली के टूर का नतीजा है, कलकत्ते की टूर का नतीजा क्या होगा ये भगवान जाने। आज हेड ऑफिस से टेलीग्राम भी आया है, तुम्हें एक हफ्ते के लिए कलकत्ते जाना होगा। मुझे कलकत्ते? कब? कल। कल? मुझे मत भेजिए। वजह ये कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनकी पढ़ाई में हर्ज होगा। यही वजह है? जवाब दो। मनु अकेला रहना नहीं चाहती। अशोक, मनु की खातिर अपना फ्यूचर मत खराब करो। अशोक है तो नौकरानी, खाना बनाती है, वो चली जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी। याद रखना, भोली भाली शक्ल वाले होते हैं जल्लाद भी, औरतों की खातिर खाम खा देवदास बनने की जरूरत नहीं। सुनो, कल सुबह तुम कलकत्ते जा रहे हो।
साढ़े पाँच बज गए। आज आप हमें कार्निवल ले जाने वाले थे ना, भूल गए चन्नू? सुबह आपने कहा था ना, भूल गए? हमने सोचा कि हम आपको दफ्तर से ही साथ क्यों ना ले लें। बुरा किया? नहीं, अच्छा किया। तो फिर आज मुझे जरा काम था, फिर किसी दिन चलेंगे। ओह ये बात है, चल भुलवा चल। बोलो, सुनो तो सुनो। अच्छा भुलवा। नमस्ते साहब। नमस्ते भुलवा। लो, हम सोते रहे और आज साहब नाश्ता किए बगैर दफ्तर चले गए। भुलवा, ओ भुलवा, अरे सुनता है भुलवा? ए भुलवा, अरे उठ। वो दफ्तर नहीं था मन लो तो वो आज सवेरे सवेरे फिर हवाई जहाज में बैठकर कलकत्ते चले गए। हमसे कुछ कहे बगैर चुपचाप? नहीं, सवेरे सवेरे मुझे जगाया, कहा हुक्म मिला है, जाना जरूरी है, इसलिए जा रहा हूँ, मजबूर होकर जा रहा हूँ। सवेरे सवेरे तुम्हें जगाया और मुझे? वो तुम्हारी नींद हराम करना नहीं चाहते थे। नींद हराम ना हो, जिंदगी हराम हो जाए। बड़े चालाक होते हैं ये मर्द में मन्नो। सुबह नहीं जगाना था तो कल शाम को बताते हुए मुंह दुखता था। कल तुम उसे रूठी हुई थी ना मन्नो। रूठी हुई थी भुलवा, मैं जरूर कोई भेद है। जिस दिन से उस देवी का पत्थर आया है ना, बात ही कुछ और ढंग से करता है अपना साहब। नहीं मन्नो, मुझे सब समझा कर गया है। अरे तू बच्चा नादान, और फिर तुम जरूरी हो कि मैं? तुमसे कुछ इसलिए नहीं कहा कि तुम्हें उनके जाने की खबर सुनकर दुख होगा, तुम उदास हो जाओगी। अच्छा, तो बाबूजी को ये वहम लिया कि वो कन्हैया है, जो गोकुल से जाने लगे तो उनकी ये दासी उनके चरणों से लिपट जाएगी और रो रो कर कहेगी मैं जाने न दूंगी, जाने दूंगी। एक समझता क्या है अपने आप को मन्ना, तुम खामखा बिगड़ रही हो। उनको तो तुम्हारा बहुत ख्याल है। तुम्हें क्या रिश्वत मिली है जो तुम इस तरह उसकी वकीली कर रहे हो? अच्छा चलो, अच्छा हुआ ठीक वक्त पर आंखें खोल दी। जरा घूमने जा रही हूँ। आज खाना वाना? आज खाना वाना नहीं पकेगा, तुम होटल से खाकर स्कूल चले जाना। और तुम? मैं आज किसी न किसी को कच्चा चबा जाऊंगी। अच्छा किया मनोरमा, बहुत अच्छा किया जो तुम मेरे पास चली आई। डावाडोल होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारी बात समझ ली, अब चलकर तुम मेरी बात सुनो। देखना मैं तुम्हें क्या से क्या बना दूंगा, जरा पहुंचो तो जन्नत महल में। इस महल का नाम जन्नत महल है और यहाँ तकदीर वाले आते हैं? फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। बनाने वाले ने आपको बड़ा ही सुंदर बनाया। अजी कब तक और इंतजार करना होगा? जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ एक घंटा और। वाह 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 वाह, मीना आ इधर आ, तेरे हाथों की बलाएं ले लूं। मेरे हाथों की? देखा जनाब। देखा इलाही, कैसी कैसी सूरतें तूने बनाई हैं कि हर सूरत कलेजे से लगा लेने के काबिल है। इतने अच्छे कपड़े,
आज जिंदगी में पहली बार पहने। पहचानिए तो, ये सचमुच मनोरमा है। मन्नू, जब तुम अपनी पहचान भूल गई तो और कौन पहचानेगा आपको? मीना, शरबते बादाम में गुलाब का अर्क मिलाकर लाया जाए। एक गिलास या दो गिलास? तीन गिलास। आप भी पियेंगे। बैठो मनोरमा, बैठो ना। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और सोचो कि कलकत्ते की स्टेज है और तुम इस तरह बंधन कर ऑडियंस के सामने आई हो। अशोक सामने बैठा है, वो नजरें मिली, हाय मजा आ गया। हाँ, मजा आ गया। अब तो यकीन आ गया ना कि तुम्हारी मंजिल का रास्ता अशोक के बावर्ची खाने से होकर नहीं जाता। ये रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है और कठिन। अशोक बेचारा मामूली आदमी, दे क्या सकता है? है क्या उसके पास? करना चाहे तो कर भी क्या सकता है? लीजिए शरबते बादाम। खुशबू तो अच्छी है। इसमें कोई बूटी बूटी भांग वांग तो नहीं ना? अजी कैसी बातें करती हैं आप? बेधड़क होकर पी जाइए, मैं भी तो पी रही हूं। और लूंगी ये शरबते बादाम। जरूर जरूर। कौन? हुकुम, आपसे कोई मिलने आया है? कौन कम वक्त आ गया मुझसे मिलने पर। अशोक, तुम यहाँ? सुबह प्लेन मिस हो गया, सीधा दफ्तर पहुंचा। दफ्तर में देर तक आपका इंतजार किया और आखिर यहाँ आना पड़ा। मुझे बुखार हो रहा है, देखिए, इसलिए अब मेरा कलकत्ते जाना मुमकिन नहीं। किसी और को भेजने का इंतजाम कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। ये बातें ऑफिस में होनी चाहिए। ऑफिस में तो आज आपने दिन भर कदम नहीं रखा। ये सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं। आई एम सो सॉरी, मैंने तो कोई सवाल नहीं किया। आप खाम खा नाराज हो रहे हैं, बात क्या है? गरीब से ही आपका दोस्त चल के आपसे मिलने आया है, कम से कम बैठने के लिए तो कहिए। चलिए बैठकर जरा इत्मीनान से मेरी बात तो सुनिए। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी तबीयत खराब है, जाकर आराम करो। कौन था? तुम नहीं पहचानती? ओ, तो खींचे फोटो। रेडी? फोटो भी खींच जाएंगे, पहले ये चंद रिकॉर्ड तो सुनिए। मध्यम मध्यम रोशनी, धीमे धीमे सुर और फिर खाना खाने के बाद कार्निवल में जाएंगे। साहब आप आ गए कि गए नहीं? जा नहीं सका भुलवा, मेरा प्लेन मिस हो गया। एक गिलास पानी देना तो। आपके हाथ बड़े गर्म है। जरा बुखार हो गया है। क्या हाल है मनु का? मैं थोड़ा और जवाब दो बुलवा, कहाँ है मन्नू? वो घूमने गई थी, अभी तक नहीं लौटी। अभी तक नहीं लौटी? चलो उसे ढूंढ कर लाएं। आप आराम कीजिए, मैं जाता हूँ। अरे तू अकेला कहाँ जाएगा यार,
चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मगर आपकी तबीयत? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे तो उसकी चिंता है। आपका मेरी गो राउंड मेम साहब के लिए रिजर्व। मैं जिस घोड़े पर चाहूं बैठूं? जिस घोड़े पर चाहो बैठो। अकेली? मुझे साथ बैठने की इजाजत है? अभी नहीं, वरना मैं 20 चक्कर लगाऊंगी। अजी 100 चक्कर लगाइए। चल मेरे घोड़े ले जा बाजी सबसे आगे, चल 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 हवा से बातें कर मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। चल मेरे घोड़े ले जा बाजी सबसे आगे, चल 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 चल। मने, मने। अच्छा, मेरे घोड़े के कदमों से रान दिए जाओगे, मर जाओगे दीवाने। मनो ये क्या बचपन है, उतरो नीचे। मने क्यों उतरू? इसलिए कि अशोक साहब पैदल है और मैं घोड़े पर सवार हूँ। नहीं उतरूंगी। उतरो मैं कहता हूँ। मने मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में। ये सब क्या है, ये क्या हमाकत है? चुपचाप मेरे साथ चलो वरना। मनो देवदास तुम कौन? बक बक बंद करो, चलो उतरो। औरत पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? ओह समझा, मेरी नजर मर्द पर तो पड़ी ही नहीं, तो ये आपकी मेहरबानियां हैं, आपकी मेहरबानियां हैं। शर्म तो पहले आपसे निपटना होगा। Thank you.
चलो तमाशा खत्म हुआ, आओ। छोड़ो छोड़ो मुझे। संभलो। ए सेठ, ए लकी कबूतर, कौन है तू इस तरह सबके सामने मेरी कलाई मरोड़ने वाला, मेरे मुंह पे चाटे लगाने वाला कौन है तू? है मनु, मैं कहता हूँ। क्या कहता है तू? क्या कहता है तू? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? जरा भाई लो पूछो तू इससे। मैंने इस वक्त तुम्हारे होश ठिकाने नहीं। अरे ठहर, होश ठिकाने नहीं, मैं तेरे होश ठिकाने करती हूँ। मैंने, अबे छोड़, किसी और को दिखाना ये नखरे। जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी ना तुम्हारा प्रेम। जाओ अपना रास्ता लो, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। ये सब लोग गवाह हैं। गवाह हो ना भाई लोग। मन्ने, जो कहना घर चलकर कहना। किसका घर और वहां जाकर क्यों कहूं? मुझे जो कहना है सबके सामने कहूंगी। 30 रुपए की नौकरी देकर समझता हूं उसके गुलाम बन गए प्यारेलाल जी। ये लीजिए, ये जूता लीजिए और मारिए इसके मुंह पर। जाता तो जाने दे, तू आ मेरे साथ। खबरदार तो मुझे हाथ लगा। सुनी बेशर्म, बेहया, ये तेरा नशा कर जाए तू फूट फूट कर रहेगी और कोई तेरी फरियाद नहीं सुनेगा। आज आसमान वाले ने देख लिया कि धरती पे कैसे कैसे नीच लोग रहते। तुम्हें वो सजा मिलेगी कि जिंदगी भर ना भूलोगी। निमक हराम, जिसने हम दोनों को कीचड़ से निकाल कर जानवर से आदमी बनाया, जो इस वक्त भी तुम्हारा हाथ थामने चलाया, तूने उसे ठुकराया कि आबरू उतारी। दे हया, जा, तुझे जाना है, जा जहन्नुम में जा। ना आज से तू मेरी बहन, ना मैं तेरा भाई। आज से तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए। बाबूजी ठहरिए। बिजली का
अशोक बाबू आप आ गए। नमस्कार। कब आए? अभी अभी आई हूँ, इसी तांगे में। घर पहुँचते ही पूछा आप कहाँ हैं, तो इस लड़के ने कहा चलिए मैं ले चलूँ उनके पास। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे थे, लहरे गिन रहे थे जी। बहुत दिनों के बाद सुनते ही है, बहुत बदल गए हो अशोक बाबू जी। बात क्या है, ये अच्छा नहीं? भला चंगा हूँ, आप तांगे में विराजिए, मैं और बुलवा दौड़ के आपसे पहले पहुँचते हैं। चलो बुलवा। बाहर तो अभी भी है। साहब चाय। साहब बुखार तो और तेज हो गया। हरी देवी जी को बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं, तुम्हें डॉक्टर को बुला कर लाता। बुलवा बुलवा। कौन? मन्नो? मैं हूँ अशोक बाबू। लड़के ने बताया कि आपको बुखार हो गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ। जरा देखूं। ओह बुखार तो बहुत तेज है। अजी भूल जाइए ना बुखार बुखार को, मैंने आपको चिट्ठी लिखकर बुलवाया है। जभी तो आई हूँ। अच्छा किया। मुहूर्त कौन सा है शादी का? शादी किसकी? अशोक बाबू की, और किसकी? शादी का तो बहाना था देवी जी, बुलाया तो इसलिए है कि शतीन परदेसी की चिता को तो कोई आग देने वाला चाहिए। जी क्या बोलते हैं आप, भी झिड़कियां देने लगी मुझे। ये वक्त झिड़कियां देने का नहीं देवी जी। अशोक बाबू मुंह से अच्छी बातें निकालते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकाली थी मुंह से, मगर चलिए अब चंद घड़ियां और हैं तकलीफ की। तेरी मैयाद गम पूरी हुई, ऐ जिंदगी खुश हो, कफस टूटे न टूटे, मैं तुझे आजाद करता हूँ। कफस का मतलब पिंजरा हरी देवी जी, पिंजरा टूटा कि जीव का पंछी उड़कर हवा हो गया, और फिर सब झगड़े खत्म हो गए। बुखार तेज है, बुखार की हालत में बड़बड़ा रहे हैं अशोक बाबू। अच्छा हुआ मैं वक्त पे आ गई, डॉक्टर आएगा दवा देगा सब ठीक हो जाएगा। जान
थे गए मेरी जान दे गए, फिर किस खुशी में और जिए जा रहा हूँ मैं, आँखों में तेरी याद लिए जा रहा हूँ मैं। थाम ले मुझ बदनसीब का, मुझ बदनसीब का, कब से तुझे आवाज दिए जा रहा हूँ मैं, आँखों में तेरी याद लिए जा रहा हूँ मैं। लीजिए आ गए डॉक्टर साहब। क्यों अशोक साहब, क्या हाल है भाई? बुखार तो 105 डिग्री है। 105 डिग्री? निमोनिया हो गया है। फिर क्या, अच्छी तरह देखभाल करनी होगी और पूरी तरह इलाज करना होगा। कोई खतरे की बात तो नहीं? घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोशिश करना अपना फर्ज है। बुलवा चल मेरे साथ। साथिया साथ तेरा, मिल तो गया देख मगर, हाथ में हाथ दिया है तो निभाना समझे। आज आसमान वाले ने देख लिया कि धरती पे कैसे कैसे नीच लोग रहते। कौन? मैं हूँ मनोरमा जी। अब तबीयत कैसी है? ठीक है। तो ठीक है, मैं आपसे बातें करना चाहता था। मैं आराम करना चाहती हूँ। तो मैं इस शादी खाना आबादी का ऐलान कर दूं? मुझे परेशान ना करो, कौन हो तुम, जाओ। कमाल है, रात हर बात तय कर ली और अब पूछती है कौन हो तुम। बुलवा जाते ही ये दवा पिला देना और फिर आधे घंटे बाद डॉक्टर जी को खबर कर देना। दवा किसके लिए है? अपने साहब के लिए, अशोक साहब के लिए। क्या हुआ उन्हें? बुखार। बस हो गया बुखार? बुखार तो होना ही था, खबर ही ऐसी है। मुबारक हो। मुबारक हो, तुम्हारी बहन की शादी हमारे बड़े साहब से हो रही है, सब तय हो गया। ड्राइवर गाड़ी रोको। अरे भुलवा क्या हुआ, सुनो तो, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो ये खबर तुम्हें ड्राइवर ने सुनाई है, सच्ची होगी। चीज सबसे ज्यादा अजीज है, आबरू, इज्जत। इज्जत मुझे जान से प्यारी है, समझी, इज्जत मुझे जान से प्यारी है। बुलवा हरी देवी जी कहाँ है? माली को लेकर आपके लिए इंजेक्शन लेने गई है। बुलवा
ये रात शायद मेरी आखिरी रात हो। कैसी बातें करते हैं आप? तुम मेरे राजदान हो। सुनो, मैं जब भी सफर पे जाता हूँ तुमसे कहकर जाता हूँ। अब तो मुझे बहुत ही लंबे सफर पे जाना है और फिर अकेले। मन्ने को मैंने कई बार कहा उस डैन का नाम ना लीजिए साहब। नाम नाम आ ही जाता है जुबान पर बुलवा, नाम आ ही जाता है। देखो बुलवा, इन्हें मन्नो के लिए लाया था, वो हमसे रूठ कर चली गई। ये मैं दुल्हन के लिए लाया था दोस्त, दुल्हन तक पहुंचा देना। मैं उस कमीनी की सूरत नहीं देखूंगा साहब। पगले अपनों पे इतना गुस्सा नहीं करते, उसका मुकद्दर अच्छा है जो इतने बड़े आदमी से शादी कर रही है। हमें तो यही दुख है ना कि हमारे दिल की दिल में रह गई। देखो जिस पे राखे राम उसी बिद रही है। लो ये मैं दुल्हन के लिए लाया था, दुल्हन तक पहुंचा दो दोस्त। कहना बड़े घर की बहू को ये छोटा सा तोहफा एक मामूली आदमी ने भेजा है। साहब जाओ भुलवा, इसके बाद मैं चैन से मर सकूंगा। मुझे याद आ रहा है कमबख्त ने एक दिन कहा था, देखना भुलवा मैं अच्छी रहूंगी। ठीक कहा था। देखो भुलवा, शायद वो मेरा हाल पूछे तो कहना दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, लो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। साहब कैसी बातें करते हैं आप? हरी देवी जी ने कहा है उनकी भगवान सुनता है, वो आपको मौत के मुंह से छीन सकती है। बड़ी झूठी है हरी देवी जी, जब मौत ने उनका अपना सुहाग लूटा था तो उनका भगवान कहाँ था? आप अच्छे हो जाए हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, है जी? हाँ अच्छा जाओ भुलवा, देर हो रही है। अशोक बाबू ये इंजेक्शन ले आई हूँ, डॉक्टर साहब को टेलीफोन करा दूं। बत्ती नहीं जलाई। जवाब दो, कहाँ गई मनोरमा? यहीं थी, इसी कमरे में। तो गई कहाँ? जवाब दो, कब गई, कहाँ गई, कैसे गई? मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो यहीं बैठी पहरा दे रही थी। झूठ बकती हो। देखो कौन आया है। हेलो हेलो, मैं हरी देवी बोल रही हूँ। जी जी निर्वाण साहब, अशोक बाबू की तबीयत एकदम से खराब हो गई है, घर पे कोई भी नहीं, मैं सहन से गई, डॉक्टर साहब को फोन किया वो मिले नहीं। निर्वाण साहब आप किसी भी डॉक्टर को लेकर फौरन चले आइए, किसी भी डॉक्टर को, प्लीज प्लीज। मरीज से आपका क्या रिश्ता है? मेरा तो कोई भी रिश्ता नहीं, मेरा क्या रिश्ता हो सकता है, मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? भुलवा पूछता है मेरी बहन कहाँ है? कह दो वो जन्म में गई। मीना जी चाहता है तुम्हें गोली मार दूं, बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। आ,
जी, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगने आई हूँ। मैं आपके चरणों से लिपट कर गिड़गिड़ाने आई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। इतना गुस्सा भी क्या, जैसे अब मुझसे जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शुक्रिया? मैंने क्या किया? आपने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने वाले हैं।